हाय, स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। आज स्पाइस बॉक्स में हम बनाएंगे सी फूड डेलिकेसी गोवा से। इसे कहते हैं गोवन तली मच्छी। इसमें हम लेंगे फर्म सफेद फिश को, कोट करेंगे इसे मसाले वाले आटे में और शैलो फ्राई करेंगे। सी फूड लवर्स जिनको पसंद है ये मसाले, उनको बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। आइए देखते हैं क्या सामग्री चाहिए बनाने के लिए गोवन तली मच्छी। इसके लिए आप लीजिए कोई भी सफेद फर्म फिश। मैं ले रही हूँ बासा, जिसको मैंने काटा है मीडियम साइज के टुकड़ों में। एक बड़ा अंडा, ये मैदा, चिकपी फ्लावर या बेसन, नींबू का रस, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च और नमक। आइए शुरू करते हैं बनाना गोवन तली मच्छी, जिसके लिए मैं रख रही हूँ ये पैन गरम होने के लिए। इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ा तेल। जब तक तेल गरम हो रहा है, मैं ये मच्छी में ऐड कर लूंगी मसाले एक एक करके। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी लाल मिर्च पाउडर, ये हल्दी, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च, थोड़ा नमक, चिकपी फ्लावर या बेसन लगभग एक चम्मच भर के, और ये मैदा जो मैं ले रही हूँ एक से दो चम्मच भर के। और अब इसमें ऐड करूंगी ये नींबू का रस, और फिर मैं ये सब मिला लूंगी अच्छे तरीके से। ये फिश अब कोट हो चुकी है मसालों में। अब इसमें तोड़ूंगी एक अंडा और फिर मिला लूंगी ये सब कुछ अच्छे से। अब जब तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं ऐड करूंगी ये फिश। हमें करना है तेल को अच्छे तरीके से गरम। हम इस फिश को पकाएंगे मध्यम आंच पर और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि ये फिश के टुकड़े पक जाए एकदम अच्छे से। इसे लगेंगे लगभग 10 से 15 मिनट। अब ये तली मच्छी फ्राई तैयार है। आप देख सकते हैं ये हो गई है ब्राउन और क्रिस्पी, और ये कोट हो चुकी है अच्छे से। निकाल लेंगे इसे एब्जॉर्बेंट पेपर पर। गोवन तली मच्छी अब तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसे घर पे खाइए छिड़क कर थोड़ा नींबू का रस और प्याज के टुकड़ों के साथ। आप इसे सर्व कर सकते हैं एपेटाइजर के जैसे या मेन कोर्स में भी। सी फूड लवर्स, आप इसे अपने घर पे जरूर बनाइएगा।